राम राम, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर डीसी, दैट इज डिजिटल क्लास ऑफ कसम, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, सेट थ्योरी, टॉपिक सेट ऑपरेशन। यू नो वेल, तुम्हें जानी छो, गत काले आम क्यों क्यों विषय आलोचना करते वर्तमान विषय हूँ आमर आज एम्प्टी सेट बा शून्य सेट। तो एम्प्टी सेट माने कौन ना, जमती बीजगणितिक प्रक्रिया रे बा गणितिक प्रक्रिया रे आमे केते गुड़िए संख्या जानिचंती, जेपरी 0, 1, 2, 3 ए समस्त नहीं कि आमे अनेक गुड़िए जोग वियोग गुणन हरण करती। तो सेट प्रक्रिया रे एम्प्टी सेट मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछि, जेपरी गणित जगत को 0 गोटे एमती एक संख्या जहार मूल्य हूँ अतुलनीय। ठीक से भली एम्प्टी सेट हूँ एही सेट प्रक्रियार एक अतुलनीय रूप। तर परिभाषा कौन बुझा, तो परिभाषा हूँ यह कि जो सेट्रे कौन सी उत्पादन थाए शून्य सेट बा एम्प्टी सेट कहिबा बा कहा जाए। यार सांकेतिक रूप हूँ फाइ, जहाँ आम फाइ द्वारा डिनोट करवा बा चिन्हट करवा, और एम्प्टी सेट खाली दुटी कुटल बंधन द्वारा आम उपस्थापना करी। ठीक अच्छे, तो एग्जांपल ने देख शून्य सेट माने कौन, तो शून्य सेट आम जो परिभाषा मुझे तुमको कहली तुम शुणिल अभी जे शून्य सेट हूँ एक सेट जो कि कौन सी भी उपादान न थाए। देख सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, अर्थ एक्स एमती एक संख्या जी कि निज सहित ही सामान नुहे, अर्थ कौन ये आर किसी मूल्य अच्छी कि अमूल्य बा शून्य, तेणु या को आम एम्प्टी सेट बा शून्य सेट बोली कहिबा। द्वितीय एग्जाम लेवा चाहिबा, देखो सेट बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, 1 <x> 2, जार अर्थ मु एक्सप्लेन करी कि एक्स होची एक उपादान जी कि गण संख्या मध्य अच्छी एवं जहार मूल्य 1 ठारु बड़ आउ 2 ठारु सान, तो 1 ठारु बड़ आउ 2 ठारु सान एमिति कौनसी भी गण संख्या नाही, तेणु ये मध्य एक शून्य सेट बा एम्प्टी सेट। तृतीय उपादान देखिबा बा तृतीय एग्जांपल, 32 दिन विशिष्ट मास मानकर सेट, अर्थ बुझिपार्थ जे 32 दिन विशिष्ट मास कौन सी कैलेंडर आम पाइबा ना, तेणु ये कौन मिथ्या कि नहीं बा शून्य, एमती कौन सी उपादान ना, तेणु ये शून्य सेट। नेक्स्ट एग्जांपल, 0 ठारु सान गण संख्या मानक सेट, तो 0 ठारु कौन सी एमती संख्या ना जे कि गण संख्या अंतर्भुक्त, तेणु ये मध्य शून्य सेट्र अंतर्भुक्त। ठीक अच्छे, वर्तमान एबे देखिबा सबसेट आउ सुपरसेट कौन, बर्तमान आसी आम पहुँचवा उपसेट जहाँ को इंग्लीश कह सब सेट। प्रथम उपसेट माने कौन यार परिभाषा बुझा, देख इफ बा जदि ए ओ बी दुईटी सेट हूँ तेबे ए रो प्रत्येक उपादान, ए रो प्रत्येक उपादान जदि बी रो गोटिए गोटिए उपादान होई थाए बा हुए तेबे ए कु बी रो एक उपसेट कहिबा। पुणी थरे कहुची जदि
ए ओ बी दुईटी सेट हुआ एपर स्थले ए रत्येक उपादान जदि बी रोटे गोटे उपादान होता तेबे ए को बी एक उपसेट बोली कह यार सांकेतिक रूप देख देख सांकेतिक रूप हूँ फॉर एग्जांपल ए उपसेट बी बा ए सबसेट बी जब आम इंग्लीश पढ़ा चाहे तेल कह ए इज ए सबसेट ऑफ बी ए इज ए सबसेट ऑफ बी एवं जदि आम विलोम शब्द में पढ़ाक चाहे तेबे बी को ए सुपरसेट बी को ए सुपरसेट बा अधिसेट बोली कहिबा ठीक अच्छे तो लिखे केमती ताले अधिसेट को ना एमती लिखा बी इज सुपरसेट ऑफ ए बा बी अधिसेट सेट ए अधिसेट कहिबा काहेकि एबे एही निम्न एग्जांपल देखले आमे बुझी पारिबा देखो सेट ए इज इक्वल टू ए कमा बी कमा सी कमा डी ए चारोटी उपादान नहीं तैयार है सेट ए वर्तमान सेट बी देखो सेट बी रे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एपरी अनेक गुड़ी उपादान नहीं सेट बी तैयार है एठी ए रे जो उपादान अच्छी देखो बी रे मध्य अच्छी ता छड़ा तारो अधिक उपादान मध्य रही तेणु आम कौन बुझले ना ए को बी रो एक उपसेट कहिबा तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी कौन कहिबा ए इज ए सबसेट ऑफ बी आपको संकेत लिखा केमती ना ए इज सबसेट ऑफ बी बा ए सबसेट बी जदि हम उल्टा कहिबा बा जदि हम एको विलोम रूप में प्रकाश करिबा ताहले देखो बी को कहब बी इज सुपर सेट ऑफ ए सुपर एथिपे कह जाय छी जे ए थारु बी रो उपादान अधिका रहै छी तेनु बी को ए रो अधिसेट बोली कहा जाउ छी ठीक अछि दिस इज ऑल अबाउट योर सबसेट बा उपसेट एंड अधिसेट बा सुपर सेट बुझिलो।